5 दिन के पहले विभोर शर्मा यहाँ पे बता दें कि भाई यूथ कहाँ कहाँ के हैं और एक दिन के कम से कम 25-25 आदमी उनकी एक दिन की जिम्मेदारी रहेगी या उनकी 5-5 दिन की लगा दो एक जिले की। मतलब अगर आपके आंदोलन चल रहा तो जिम्मेदारी इन्हीं 2-3 जिलों की रहनी चाहिए। यहाँ रात को बहुत बार ऐसा होता है कि एक भी आदमी यहाँ पे नहीं मिलता कहीं पे भी। बाहर के लोग यहाँ पा जा, कौन क्या आ जा, किस भेज में आ जा, अपनी गेट की भी संभालो, अपने यहाँ पे जागते भी रहे क्योंकि गेट भी अंसर उस गेट की दूरी भी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है, 1.5-2 किलोमीटर है। एक तरफ का पूरा खुला हुआ है, वहां पर हर टाइम गाड़ियां चलती है, कोई कुछ गेर का चला जाए। टेंट यहां बहुत लगे हुए हैं, ऐसे पक्के मोर्चे, हमको चौकियां अपनी बनानी पड़ेगी जो इस साइड के हैं, चौकी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह की, उस पर 6-6 घंटे की ड्यूटी लगा हुआ, वे जागते रहे 6 घंटे। अभी तो 2-3 गेट चल रहे हैं यहां पे, बराबर में भी चौकियां लगानी पड़ेगी। कुछ गलत तरीके के लोग भी यहां पे आपके बीच में आ सकते हैं। 2 दिन पहले भी यहां से कुछ लोग थे, जब कोई टेंट वाले गए तो वे दोनों रोड क्रॉस कर फिर वे भागे, कोई कुछ सामान रख जाए, कोई अवैध चीज रख जाए, कोई किसी के भी लोग हो सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव जोन है, अब तो हमको सारी चीजों से बचना है। तो आप रूठ लगाओ, जो युवा है, यूथ है, यूथ का मतलब है कि वो व्यवस्थाओं को संभाले। क्या क्या यहां खाने पीने की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है, कितने यहां भंडारे लग रहे हैं, उनको किस व्यवस्था की जरूरत है, तो इन चीजों पर भी हमको काम करना है। यहां पे लोग रहेंगे, टेंट हैं, उसमें कौन कौन रहेंगे, कितने लोग आएंगे, कहां कहां से लोग आएंगे, मेंबरशिप का चलाने का काम है कि गांव में मेंबरशिप आप चलाओ। सरकारों के लोग गांवों में घुसना चाह रहे हैं, वो ट्रैक्टर से आंदोलन करना चाह रहे हैं। हमको कहा भाई ट्रैक्टर से आंदोलन, कम से कम ट्रैक्टर उनकी समझ में तो आ गया, तो हमको भी अपने ट्रैक्टरों को मजबूत रखे। वे गांवों में घुसेंगे, बहुत तरीकों से घुस रहे, अब खेल के माध्यम से गांव में घुस रहे कि हम खेल वो करवा रहे हैं। एक जगह मुख्यमंत्री जा रहा है, खेल प्रतियोगिता करवा रहे, खेल के जो लोग हैं उनको सम्मानित कर रहे, आप भी उनको जोड़ो सबको, आपको भी सब तरीके से लोग के साथ में जुड़ना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। गांव चलो अभियान चला रहे हैं, जहां जहां कौन कौन सी फसल पैदा हो रही वो बिक्री या नहीं बिक्री उस पर, ये 22 तारीख का भी इशू रहेगा, 26 तारीख को भी मीटिंग है, 29 तारीख से भी यहां कंटिन्यू मीटिंग है। तो बहुत लोगों ने कहा भी हम एक ही गांव से 1500 लोग रोज देंगे, वो पूरे एक सिस्टम बनाएंगे कि किस किस तारीख में कितने लोग कहां कहां से आएंगे, अपना कपड़ा लत्ता लेकर आओ, अपने कंबल अपना कपड़ा लेकर आओ, जो जिसको टेंट दिया जा उसमें अपने रखो, दूसरे वाली टीम आई उसको हैंड ओवर करके जाओ, क्योंकि यहां का जो सामान है ये आंदोलन का सामान है, इसकी जिम्मेदारी भी आप सब लोग की है। खान पीन का पूर्ण रूप से भाई कोई पदाधिकारी बन गया या गांव में से कोई चंदा इकट्ठा हो रहा है, अपना गांव का धन गांव में रखो, मिठाइयों पर हलवे पे उस पर खर्च मत करो कि एक दिन आए हलवाई फुलाई बुलाए और मिठाई बनवाई और 2 लाख रुपए की मिठाई बांट गए। यहाँ पे चाहती है सब्जियां, यहाँ चाहता है दूध, यहाँ चाहता है मसाले हल्दी पत्ता, ये सारी चीज चाहती है यहाँ पे, पीने का पानी, इन पे खर्च करो, वैसे खर्च ना करो। ये आंदोलन 1 साल हो गया, बहुत जनता का पैसा इसमें रहा, गांव के लोग इसमें दे रहे हैं, आटा दाल चावल जो सब्जियां अब हो रही, जिसके खेत में भी कोई चीज पैदा हो रही वो भी यहाँ पे, जब भी गांव से कोई चीज आवे तो घर से बने हुई लेकर जरूर आओ, आटा आ रहा तो उसको धुलवा के पिसवा के
आटा का बहुत आ रहा है यहाँ पे, तो उसको बिल्कुल धुआ हुआ कर उसको साफ कर कर ले जाओ, यहाँ उसकी धुआई हो नहीं होती क्योंकि उसी रोटी को सब लोग खाते हैं, तब साफ सुथरी चीज आए। तो जो तीन प्रोग्राम जो ये हैं, इन प्रोग्रामों पर आप ध्यान दो, अब पूर्ण रूप से बाहर के लोग भी आपके यहाँ पाएंगे और इस आंदोलन को देखना आना चाहते हैं। अपने झंडे बैनर पोस्टर ये लगाओ, अपने फोटो लगाओ उस पर, अपने जिले के उसके नाम लगाओ। और इसका भी पढ़वाऊंगा, जो ये तीन कानून हैं इसके भी जो प्रतियां आई हैं इसमें क्या क्या खामियां हैं वो पूरे पोस्टर बनवा के उनके यहां पर लगवाएंगे जगह जगह के, इसमें ये कमी है, ये खामियां इनमें है और इसलिए वापसी होना चाहिए। तो पूरा डाटा यहां पर सब जगह लिखा जाएगा और ये वापसी होना चाहिए क्योंकि बहुत आए एक साल में सब फटके हुए हो गए, बहुत लगे हुए थे। तो इन सब चीजों पर भी आप लोग ध्यान दें, अपनी मीटिंग इसके बाद में भी जो पदाधिकारी है वे मीटिंग कर लें, जहां पदाधिकारी जिसको बनाना है जिले में, अगर मंडल पे जाना है किसी को तो वो नीचे की कमेटी तय करे कि इसको भेजना है, यूथ में भेजना है, युवा दोनों जिला और युवा साथ रहेंगे, यदि के युवा वाला अलग प्रोग्राम कर रहा वो अपना अलग कर रहा, दो पार्टी नहीं चाहिए। और जब तक दोनों इकट्ठे रहेंगे तो ये चलेगा, अगर अलग अलग चलेंगे तो हट जाएगा भाई। यूथ की जिम्मेदारी है कि जो मैन का है उसके साथ में मिलकर काम करें क्योंकि सरकार बहुत खतरनाक है, हर हथकंडे अपनाएगी। किस आदमी से क्या बयान दिलवा रहे हैं, आज भी कोई बयान दे रहे तो उस पर कह रहे कि जी बातचीत हुई, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। हर आदमी की जो सरकारों में भी शामिल है उसकी खुद की विचारधारा है, वो तंग है सरकार उसे, उसकी फसलें नहीं बिखरी तो बयान दे रहे। जब भी सरकार से बातचीत होगी, हमारा संयुक्त मोर्चा है, वो सरकारों से बातचीत करेगा, वही उसके लिए उत्साहित है। किसी अधिकारी को या अधिकारी तुम्हें कहे तो किसी के कोई बहकावे में ताना, अपने काम करो, संगठन को गांव में मजबूत करो, इनकी जो विचारधारा है ये बताओ। बहुत जो भक्त लोग हैं जो उसमें कह रहे हैं कि जी हम तो समर्थन कर रहे हैं इसका, उनसे ये पूछो भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर तो अपना खड़े करते हैं वहां पे पहले थाने में, जो पंपिंग सेट है 10 साल पुराना वो भी नहीं चल सकता, जो जनरेटर है वो भी नहीं चले, जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं चले, तो ये तो बताओ ना, उसका समर्थन कर रहे हो सरकार का तो कम से कम ये एफिडेविट दे कि मेरे घर में कोई भी 10 साल पुराना डीजल से चलने वाला वाहन नहीं है, दे दो एफिडेविट। सब चलाएंगे पुराना लेकिन आंदोलन खराब है। तो ये चीजें भी ध्यान करो कि कोई नहीं बचने वाला, ना एनजीटी के नाम पर ट्रैक्टर और जनरेटर जाएंगे। दूध की पॉलिसी आ रही है 22 रुपया लीटर तक दूध गांव में बेचने की बात कर रहे हैं, ये पशुधन खत्म होगा। बिजली अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है उसमें 2 पशु पे कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बिजली बेचती, यहाँ की भी ये बिजली बेचेंगे, कोयले की कमी दिखा के बिजली के भाव बढ़ाएंगे, प्राइवेट कंपनियों को देंगे। इसी तरह के कानून है, ये कोई 3 कानून थोड़ा है, ये तो 17 कानून है। बीज का है, बीज के थाने खुलेंगे अलग अलग जगह, बीज किस आदमी ने किस किसान ने क्या बीज बोया, कौन सा सीड बोया, कौन पर्ची रखेगा उसकी, कोई भी कह देगा मेरा चुरा के बोलिया जी, दिखाओ उसकी पर्ची कहां से खरीद के जाए, उस पर जुर्माना सजा दोनों चीज है। तो ये तो आंदोलन से ही आप बच सकते हो, बगैर आंदोलन के तो ये भाई जमीन छीनने का प्रोग्राम बन रहा है इनका, तो उनसे आपको बचना है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये एलआई और इंटेलिजेंस के लोग होंगे, बगैर एमएसपी के गारंटी कानून के 3 कानूनों के ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। गलत फहमी में कोई समझौता मत कर लेना कि जी एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे जी, उस पर और बनाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून पूरे देश का मसला है ये,
ये सरकार कर ले कि बातचीत अगर करनी है किसी से भी तो एमएसपी, तीन कानून, बिजली, ये सारे मुद्दे हैं। ये अलग अलग लोगों से ऐसे ही आपू के बीच में घुसे, कुछ अपने ही लोगों से अभियान दिलवा देंगे, ये हमारी बात हो रही। भाई जब मंत्री से किसी से बात नहीं हुई, क्यों किसी का नाम ले रहे हो? बोले भी एक बहस चल रही आज से भी, अजी हमारी बातचीत भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की गलत प्रचार न चलावर, न इनके बहकाव में कोई आवे। सभी का धन्यवाद, सभी पदाधिकारी जो आए। कल भी मीटिंग रहेगी, कल मुरादाबाद मंडल के लोग आएंगे, उसके बाद सहारनपुर मंडल के आएंगे, फिर आगरा मंडल के, जो 14 तारीख था उनका 16 तारीख हो गया। तो इसी तरह से प्रोग्राम होते रहेंगे, आते रहो और अपने टेंट जगह, क्योंकि 26 तारीख के बाद में ये भी बता था कि अपने टेंट उनका रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा, अपने गोदाम भी यहाँ पर बनाने, जिसके पास में गर्मी का सामान हो जाके यहाँ गोदामों में जमा भी करवा दो अपना उसको। तो इन सारी चीजों पर आप ध्यान दें, ठीक। यहाँ पे मीटिंग चल रही, और भी आगे किसी को भी बोलना है, अपने सुझाव देने हैं तो वो देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान क्रांति के।